नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास एक डेल कंपनी का कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। कस्टमर ने कहा है, सर ये कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसके अंदर रैम अपग्रेड कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कंप्यूटर के अंदर हम रैम बढ़ाने जा रहे हैं, रैम अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं आपके डेल के कंप्यूटर मतलब मिनी कंप्यूटर में कैसे रैम को अपग्रेड करते हैं, पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में आपको रैम बढ़ाना है या लैपटॉप में रैम बढ़ाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए इसमें कौन सा रैम लगेगा। DDR1 रैम लगेगा, DDR2 रैम लगेगा, DDR3 रैम लगेगा, DDR4 रैम लगेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं इस लैपटॉप के अंदर अगर DDR4 का स्लॉट दिया हुआ है, DDR3 रैम लगाना चाहते हैं तो नहीं लग पाएगा। इसलिए पहले पता करना होता हमको रैम खरीदने के पहले और लगाने के पहले कौन सा रैम लगा हुआ। तो देखिए, इस कंप्यूटर में हमारे विंडोज 10 लोडेड है और बहुत सारे सिस्टम में ये होता है कि आप पता कर सकते हैं कैसे कौन सा रैम लगा हुआ है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे इसको पता करने के लिए, हम अपने इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम ये ऑन है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें 4 GB का रैम लगा हुआ प्रॉपर्टी देखिए। और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर दिया हुआ है इंस्टॉल रैम 4 GB, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सा रैम लगेगा, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 नहीं लिखा हुआ है। तो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा बायोस में। तो हम क्या करते हैं, इसको हम शट डाउन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाते हैं और इसको हम शट डाउन रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद बायोस में जाएंगे। तो डेल के पीसी में बायोस में एंट्री करने के लिए F2 बटन होता है। इसको वैसे जैसे रिस्टार्ट हो रहा है और रिस्टार्ट होते समय F2 प्रेस करेंगे डेल में। HP में साथ F10 होता है लेकिन इसके F2 होता है। इसको हम F2 प्रेस कर रहे हैं। देखिए, इसका जो बायोस सेटिंग है खुल जाएगा। ये हम F2 प्रेस करते रहे और रिस्टार्ट हो रहा हमारा ये कंप्यूटर और उसके हम पता कर लेते हैं। प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट लिख क्या रहा है और इसका जो बायोस है ना इस कंप्यूटर का, वो बायोस हमारे खुल के इस मॉनिटर में आ जाएगा। देखिए, बायोस खुल के आ चुका है। देखना नहीं, ये जो है बायोस है, ये मतलब रोम कह सकते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं मेनली, लेकिन इसके अंदर हम देखना चाहते हैं क्या क्या चीज़ लगा, सारी चीज़ें यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, हमको पहले चेक करना है कि इसमें कौन सा रैम लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन है। दूसरा बूट सिक्वेंस दिया हुआ, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं यहाँ पे और उसके दिखा रहा है, देखिए बायोस वर्जन कौन सा है। देखिए, हर कंप्यूटर वाला सेटिंग होती है। इस कंप्यूटर में F2 से हम बायोस में गए थे, हो सके आपके जो कंप्यूटर पड़ा उसमें अलग हो। तो डेल कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं आपको हमें, ठीक है, ये सारी चीज़। अब देखिए, इसमें दिखा रहा है मेमोरी इंस्टॉल 4096, मतलब मोटा मोटी 4 GB का रैम लगा हुआ है। मेमोरी स्पीड 2400 मेगाहर्ट्ज़ का है, स्पीड है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेगाहर्ट्ज़ कैसे पता करते हैं रैम का। तो डेल का पीसी अगर है तो आप बायोस में जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिखा रहा है 2400 मेगाहर्ट्ज़ का, इसमें मेमोरी चैनल मोड सिंगल मोड है और मेमोरी टेक्नोलॉजी DDR4 रैम लगा हुआ। देखिए लिखा ना DDR4 लिखा हुआ है, DDR4 रैम लगा हुआ है, मतलब इसका कंफर्म हो गया ये कि इसके अंदर DDR3 रैम नहीं, DDR4 रैम लगेगा। उसके बाद DIMM1 स्लाइस दिया हुआ है 4 GB का और इसमें 2 स्लॉट होते हैं, 1 स्लॉट बता रहा है खाली है, ये देख रहा हूँ ना, 1 स्लॉट खाली है ये। तो मैं कंफर्म हो चुका है इसके अंदर DDR4 रैम लगेगा। तो मैं पहले देख लिया था, तो मैं जाके मार्केट से DDR4 रैम लेते आया हूँ। ठीक है, 4 GB और लगा हुआ, 4 GB और लगाऊंगा और उसके बाद लगा के चेक कर लेंगे, वरना मैं 8 GB लेकर आया हूँ। कस्टमर ने कहा कि चेक कर लीजिए, अगर 8 GB सपोर्ट करता, 8, 16 GB तो लगा दीजिएगा। तो मैं रैम लेकर आया हूँ नया है, क्योंकि हम लोग दुकानदार आदमी काम करते हैं तो हम लोग को रैम जो है दुकानदार दे देते हैं, जो रैम नहीं लगता है उसको हम लोग वापस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करने के लिए हमने चेक कर लिया। अब डायरेक्टली यहाँ से चेक करने के बाद में हम कर लेते हैं, क्योंकि बायोस में ना डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं करता है। तो बायोस सेटिंग में आप कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने बाद में जो पावर केबल लगा हुआ भी निकाल लेता हूँ। देखिए, निकाल दिया हमारा ये CPU, छोटा सा है ये, देख रहे हैं, देखने में खूबसूरत है, डेल वास्टो मॉडल नंबर है ये और ये छोटा सा है। इसमें इनबिल्ट पहले से वाईफाई होता है, इसमें रैम लगा रहे हैं। तो लैब लगाने के लिए सबसे पहले जो तार कनेक्ट किया ना पावर वाला, इसको हम निकाल देते हैं, तार निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू दिया, देखिए स्क्रू यहाँ दिया हुआ है, उसको हम निकालेंगे पहले। तो पास से आते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर ले लिया हमने, देखिए इससे निकाल के इससे हम स्क्रू ड्राइवर को खोल लेते हैं, ये निकल गया। उसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर नीचे भी स्क्रू दिया होगा, उसको निकाल लीजिएगा। तो मैं पहले निकाल रखा, अब इसको देखिए यहाँ दिया लॉक है, इसको सिस्टम पकड़ ऐसे खींचेंगे, ये निकल गया, ये देखिए ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसको हम अलग रख लेते हैं। अब देखिए छोटा सा है ना एकदम, आइए पास से देखिए, ये देखिए देख रहे पूरा एकदम, ये तो ये SMPS है और इसके नीचे लगा हुआ रैम लगा हुआ है। तो रैम निकालने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ देखिए ये एक लॉक है, यह पास देखिए इसको यहाँ से देखिए ये खुल गया, ये खुल गया, ये कवर निकल गया बाकी वाला, इसको निकाल दिया हमने। अब
यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है इसमें लगा हुआ SSD लगा हुआ है, और राइट ये निकालना पड़ेगा हमको, उसी रैम लगाने के लिए। अब देखिए इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ से, और ये स्क्रू, एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है, इन दोनों को हम ऐसे खोल लेते हैं। देखिए ये हमने इसको खोल दिया, उसके बाद ये भी खोल दिया हमने, खोलने के बाद में देखिए ये ऐसे है ना, ये इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे हम तो ये उड़ जाएगा, ये देखिए ये निकल गया, ये है हार्ड डिस्क, इसका तार है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, देखिए ये लगा हुआ हार्ड डिस्क लगा हुआ है, क्लियर है, ये हार्ड डिस्क है, इसको बनाने रख लेते हैं। उसके बाद ये जो दिया हुआ है ये SSD है, तो यहाँ पे एक लॉक है, इसको हम प्रेस करेंगे, देखिए ये ऐसे निकल गया बाहर, ये भी आ गया, इसको भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको तार निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे राइटर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे कैडी लगा करके SSD लगा दिया गया है, समझे, SSD स्पीड लो होती है। अब देखिए रैम दिख रहा ना आपको, ये देखिए, ये देखिए रैम दिख रहा है ये, और रैम के साथ में एक जगह खाली है, खाली है, एक जगह खाली है, तो यहाँ पे एक रैम और लग सकता है, तो उसको निकाल के देख लेते हैं रैम कौन सा है, और वहाँ लिखा हुआ, तो इस पर लिखा हुआ है देखिए DDR4GB लिखा हुआ है, और PC4 मतलब होता है कि DDR4 रैम है ये, ठीक है, 4GB DDR4 रैम, अगर PC3 लिखा होता तो DDR3 रैम होता है, क्योंकि अब जो नए कंप्यूटर है उसमें DDR3 DDR4 ही रैम लगते हैं, 1 और 2 तो खत्म हो चुका है, DDR1 DDR, तो ये है। तो हमारे पास देखिए 2 रैम है, हम सोचते हैं पहले हम ना इसमें इसके साथ में चेक करते हैं, और DDR4 4 8GB रैम चेक करते हैं कि क्या 8GB सपोर्ट कर रहा है, फिर एक बार 16 चेक करेंगे। इसको हमने यहाँ क्लिक किया और रैम हमने निकाल दिया, देखिए हमने निकाल दिया, और देखिए DDR4 रैम है, इस पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये DDR4 PC4 और 3200, और इसको हम लगा चेक कर लेते हैं। तो हम इसको रैम को ऐसे यहाँ लगाते हैं, और देखिए इसका कटमार्क होता है, कटमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कटमार्क मिसमैच करेगा तो फिर ये चलेगा नहीं, देखिए ध्यान से, ये कटमार्क है, ये इसका कटमार्क मैच, तो यहाँ रैम लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे बैठाएंगे, ये देखिए कटमार्क को बैठाते हैं, और इसको ऐसे देख के हम लगा देते हैं, देखिए ये रैम लगा, उसके बाद ये रैम लगा, उसके बाद एक रैम ये आता है, इसको भी हम ऐसे लगा के ये लॉक होता है, लॉक हमने इसको लगा दिया, ठीक है, लॉक हमने लगा दिया, ये लग चुका है। अब देखिए इसको नहीं लगाएंगे, ये हार्ड डिस्क को ना, क्योंकि बायोस में दिखा देगा रैम कितना GB सपोर्ट कर रहा है, तो अब सिंपल तरीके से इसको एक बार हम ऐसे ऊपर खुले मन से ही कर लेते हैं। तो पावर जो दिया हुआ है पावर लगा लेते हैं यहाँ पे, हम पावर इसको हमने लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये पावर यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अभी विंडोज़ नहीं खुलेगा क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं कनेक्ट किया, SSD नहीं कनेक्ट किया मैंने, तो विंडोज़ नहीं खुलेगा यहाँ से ऑन करने के बाद में। उसके बाद देखिए ये पावर ऑन हो गया, यहाँ से पैर में चप्पल पहन लीजिए क्योंकि बॉडी में इससे कभी कभी जो है ना अर्थिंग आता है, इसके करंट लग सकता है। तो हम देखते हैं बायोस के अंदर कि हमारा जो कंप्यूटर चला हुआ, अभी हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं आया, ये डिस्प्ले भी नहीं आया, क्योंकि अगर आपका मेगाहर्ट सपोर्ट नहीं करेगा तभी आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आएगा। मुझे लगता है कि देखिए अभी ये बंद ये हुआ, अब इसको दोबारा हम ऑन कर लेते हैं। पावर वाले भाई साहब कहाँ गए आप, ये गए, इसको ऑन कर लीजिए, वेट कर लेते हैं। और इसमें जो है हमने 8GB रैम लगा दिया है, और हम F2 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करेंगे क्योंकि फिर बायोस में हमको जाना है, और बायोस में जा करके आपको हम एंट्री दिखाएंगे कि हाँ अभी बायोस में F2 प्रेस कर रहे हैं ना, देखिए F2 प्रेस करते रहिए क्योंकि ये डेल है, और डेल के अंदर हम चले गए बायोस में, देखिए खुल के आ गया दोबारा ये, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं, अब दिखा रहा है इसमें, देखिए ध्यान देखिएगा, ये मेमोरी इंस्टॉल कितना GB होगा, 8192 MB हो गया, डबल हो गया। और उसके बाद मेमोरी स्पीड जो है 2400 MHz, 3200 लेकिन वो 2400 इस्तेमाल करें क्योंकि मदरबोर्ड डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो एक स्लॉट खाली दिखा था, DDR स्लॉट खाली दिखा था, ये जो है जा करके अभी जो ले लिया, टोटल मतलब 8GB का रैम हो चुका है, समझ में आपको आया। तो इस प्रकार से रैम को अपडेट करा डेल कंप्यूटर के अंदर, देख सकते 2 रैम है। और हाँ, जब भी आप CPU खोलिए ना, तो मैं तो कहूँगा एक बैटरी आता है, ये सीमल बैटरी, ये 10-20 रुपये का आता है एक बैटरी, इसको भी चेंज करें क्योंकि कंप्यूटर पुराना, मुझे लगता है कि 5-6 साल पुराना कंप्यूटर होगा, तो बैटरी जो इसमें लगा होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, इसलिए इसको भी चेंज करना चाहिए, इसको भी चेंज दिखाता हूँ आपको मैं, तो आप समझ गए ना। तो रैम चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में, इस प्रकार से अपने रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। और देखिए ये हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, बंद करने के बाद में ये जो बैटरी बता रहा हूँ सीमल बैटरी, देखिए छोटा बैटरी दिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि इधर देखिए बैटरी दिया छोटा दिया हुआ, ये इसको आप ऐसे करके ये बैटरी जो है ना दिया हुआ, इसको चेंज देखिए वीक हो गया अभी, ठीक है, क्योंकि जीप हम करंट लगा के चेक करते हैं,
तो ये हल्का सा झंझनाट होता है, ये खराब मतलब वीक हो चुका है। तो ये बैटरी आता है पूरा पता लेंगे 30-35 का मिल जाता है, एक बैटरी लेंगे तो हमारे वहाँ तो मैं तो आपको 10 रुपये में दे दूंगा, आप पता कर ली, दुकानदार कभी कभी 100 रुपये भी ले लेते हैं बैटरी का। ये बैटरी है, हाँ इसमें झंझनाट है, तो जब सी पी यू खोले ना ये जब काम कर रहे हैं तो इसको भी चेंज करना चाहिए। तो इसको मैं इस बैटरी को भी चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए बैटरी बैठ गया ये, ठीक है क्लियर। अब डे टाइम कभी दिक्कत करता होगा तो सही हो जाएगा ये। तो 8 GB का रैम हो चुका है और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि अच्छा बंद कर दिखा दो आपको मैं, चलिए बंद कर दिखा देता हूँ। इसको लगाते कैसे हैं देखिए, ये वाला जो निकाला था ट्रे निकाला था ऐसे रखेंगे इसको हम, देखिए देखिए इसको रख के यहाँ पे दो दिया हुआ कनेक्शन, एक छोटा वाला पिन दिया हुआ इसके साथ में, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कनेक्ट कर लिया उसके बाद हम इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये रख के इसको मैं ऐसे करके इसको यहाँ पे देखिए ऐसे दबा देते, ये बैठ गया। ये बैठने के बाद में तो उसके बाद ये हार्ड डिस्क है, ये देखिए कंप्यूटर जो है ना वो SSD बूट करेगा और ये हार्ड डिस्क इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे लेंगे इसको हम, देखिए कंप्यूटर काम करते करते 18-19 साल हो चुका है तो अनुभव हो चुका है कैसे काम किया जाता है, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अब नए होंगे आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा जानने में तकलीफ होगा, ये है। और देखिए इसको बैठा के अब ऐसे इसको देखिए ऐसे लगा देते हैं, ये बैठ गया। अब दो स्क्रू हमने खोला हुआ था, एक स्क्रू यहाँ से खोला था हमने, ये इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं, सेट हो गया। उसके बाद एक स्क्रू ये जो है इसको हम ऐसे यहाँ से सेट कर देते हैं, देखिए ये भी स्क्रू यहाँ से सेट हो गया, दो हो गया। उसके बाद ये कवर निकाल रखा था हमने, तो कवर को भी यहाँ से ऐसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं, देखिए इसको भी लेके अभी खुला डब्बा है। अब इसको हम दोबारा पावर लगाते हैं, अभी ये नीचे वाला भी अगर चाहते हैं तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, देख करके इसको मैं अब इसको टाइट कर देंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ से पावर लगा के मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ भाई लग गया आप, हाँ ये लग के इसके बाद यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। आपको सिर्फ दिखा ही रहा हूँ, हाँ पावर आ चुका है यहाँ से लगता है, अभी ये सही से बैठा नहीं है, देखिए सही से बैठा नहीं है इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था, इसको ऐसे ही अभी हम ये देखिए दबा दिया मैंने, अभी मैं पैक कर दूंगा। तो पंखा चल चुका है और कंप्यूटर ऑन हो रहा है, फिर दिखाता हूँ आपको मैं डिस्प्ले आ जाएगा। तो बहुत इजी है कंप्यूटर रिपेयरिंग करना, बस ये होता है कि आपको काम करने आना चाहिए, धीरे धीरे काम करते 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 अनुभव मिल जाता है और फिर उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। ये वेट कर लीजिए, अभी देखिए ये टाइम लगा रहा है ना, थोड़ा सा हो जाएगा अभी। पैक करने में रैम कहीं से ही टाइट नहीं हुआ था, दोबारा रैम को हमने टाइट कर दिया है, ऊपरी खोल के इसको देख रहे हैं तो हो चुका है सारा चीज़, और रैम 8 GB हो चुका है और इसको हम पैक करेंगे। देखिए 8 GB रैम चेक करना है, तो दिस PC दिया हुआ, इसके राइट पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जा कर के और देखते हैं, ये दिखा रहा है कि इसके अंदर इंस्टॉल रैम 8 GB हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आप कंप्यूटर में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखे होंगे कैसे डेल के स्मॉल PC खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, बहुत इजी तरीके से कर लिए होंगे। और हमेशा जब रैम खरीदने आए ना तो पता कर लीजिए कौन सा रैम आपके कंप्यूटर में लगेगा, कौन सा रैम सपोर्ट करेगा, तभी करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखे हों तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसे टेक्निकल सीखना चाहते हैं, उसे वीडियो के माध्यम से वो भी कुछ सीखे। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।